अभी आपको ना एक सही चीज दिखाता हूँ जो ज्यादा लोग देखने आते हैं, जो मतलब खास अट्रैक्शन है एक बुकिंग पैलेस में। म्यूजिक व्यूजिक बजा के यहाँ पर दौड़ चल रही है इनकी। आहा, क्या बात है। यो यो यो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वेलकम बैक। सब गाइस कैसे हैं आप लोग? सब उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो यार आज मैं जा रहा हूँ अभी सेंट्रल लंदन, मेरे को थोड़ा सा काम था, तो मैंने सोचा यार इसी बहाने आपको भी थोड़ा लंदन दिखा दिया जाए, एंड होप करूँगा कि आप इंजॉय करें इसको। चलें भाई, अभी हम लोग स्टेशन से निकल के बकिंगम पैलेस के बैक साइड आ गए। ये सामने यहाँ पर जो आप वहाँ देख रहे हो इसे ग्रीन पार्क बोलते हैं, ग्रीन पार्क है। तो फिलहाल मैं अभी चल जाता हूँ और जो मेरा काम है पहले वो कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम मिल के लंदन घूमते हैं। ये देखें सामने। चलो भाई अभी हम जा रहे हैं बकिंगम पैलेस और आपको दिखाएंगे बकिंगम पैलेस। वैसे अभी 6:30 हो गए हैं और 7:30 वो बंद हो जाता है, तो अभी एक घंटा है, एक घंटे में देखते हैं कितना दिखा सकते हैं। फिलहाल तो बाहर से ही दिखा पाऊंगा क्योंकि इस वक्त अंदर जाना अलाउड नहीं होगा अभी, और अंदर वैसे भी जाने नहीं देते। ऐसा है कुछ भाई यहाँ पर सीन, और ये है सामने हमारा बकिंगम पैलेस। एंड ये देखें लोग वगैरह यहाँ पर आए हुए हैं, सब फोटो वगैरह खींच रहे हैं बढ़िया से। एवरीवन इज हैविंग अ गुड टाइम। एंड यहाँ पर ये सामने एक चौराहा, हम अपनी जुबान में इसको कहेंगे चौराहा। और ये देखें ये रहा पीछे बकिंगम पैलेस, एंड यही है, यहीं पर ये लोग देखने के लिए आते हैं इसको। और मैं अभी आपको ना एक सही चीज़ दिखाता हूँ जो ज़्यादा लोग देखने आते हैं, जो मतलब खास अट्रैक्शन है एक बकिंगम पैलेस में, जो रॉयल गार्ड्स होते हैं ना वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देख रहे हो भाई तुम, ये देखो भाई काली टोपी लाल कमीज, और ये खड़े हैं भाई, ये पैलेस के बाहर खड़े हैं और ये ना यहीं पर खड़े रहते हैं। अच्छा इधर ना अंदर जहाँ पर ये गार्ड्स खड़े थे ना, वहाँ पर ना घोड़े भी होते हैं कभी कभार, वो मतलब सोल्जर्स से होते हैं, वो घोड़े के ऊपर बैठे होते हैं, वो भी होते हैं अंदर कभी कभार, लेकिन अभी थे नहीं वो, वो शायद मॉर्निंग के टाइम पे होते हैं आई गेस, तो लोग उनके साथ भी आते हैं अंदर और फोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं। बट अभी तो फिलहाल बंद होने वाला है, लेकिन बस यही है भाई, यही है बकिंगम पैलेस। अच्छा देखने में अगर आपको लगे ना तो देखने में उतना बड़ा नहीं है, अगर मैं फिर से एक बार दिखा दूँ आप लोगों को, देखें इसके मेन गेट के ऊपर मैं खड़ा हो जाता हूँ, तो मैं कैमरा घुमाता हूँ और दिखाता हूँ से लेके वो देखे, वहाँ से लेके वो, तो ऐसे तो मतलब ब्रेथ में उतना बड़ा नहीं है, बट जो इसकी लेंथ है ना वो बहुत लंबी है, यानी कि इससे पीछे बहुत लंबा है ये ऐसे दीवार है और दीवार के पीछे बहुत बड़ा है, लेकिन ब्रेथ में उतना बड़ा नहीं है। तो बाकी वो देखें, अभी मैं आपको यहाँ से जब वापस जाएंगे ना तो यहाँ से पार्क है, बहुत प्यारी पार्क है वो, देखो सामने वो जो पेड़ वगैरह आपको दिख रहे हैं ना, एक पार्क है, यहाँ से लेके पूरी पार्क फैली हुई है ऐसे करके, ठीक है। तो हमें जाने के लिए ना इस रास्ते से जाना है, जब हम वापस जाएंगे इस रास्ते से जाएंगे तो पार्क के बीच में से होते हुए जाएंगे और पूरी पार्क दिखाऊंगा आप लोगों को, बहुत ज़बरदस्त पार्क है। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई, यहाँ तो आ गया मैं और ये भी देख लिया मैंने, और अब और क्या करूँगा यहाँ पर मैं, मुझे लगता है अभी निकलना ही बेहतर है, लेकिन ऐसे नहीं निकलेंगे, पहले बकिंगम पैलेस आए हैं तो कुछ ऐनक लगा के यूँ एकदम फ़ोटो वोटो हो जाए, उसके बाद जाऊँगा यहाँ से, ठीक है। भाई वहाँ चलते हैं, वहाँ पर भी फ़ोटो वोटो खिंचवाते हैं और वहाँ से देखते हैं कि अगर फ़ोटो बकिंगम पैलेस की सही आई फिर भाई थंबनेल भी तो बनाना है हम लोगों को, समझते नहीं हो यार, थंबनेल की गेम है सारी, जब तक तुम्हारे थंबनेल को कोई पसंद नहीं करेगा तब तक क्लिक क्यों करेगा, है नहीं है। वैसे अभी प्रिंस चार्ल्स मुझे बुला रहा था अंदर, किंग चार्ल्स, बट मैंने बोला यार अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बाद में आऊँगा, ठीक है। बड़ी पहचान वाला है भाई तुम्हारा भाई, यार ऐसे नहीं है, हल्के में मत लिया करो यार, तुम लोग हल्के में लेते हो भाई तुम। तो भाई ये देखो ये जो बकिंगम पैलेस है ना, बकिंगम पैलेस के सामने एग्जैक्ट हम यहाँ पर हैं, और यहाँ पर ये स्कल्पचर्स वगैरह हैं सब कुछ है, ठीक है ना। ये स्कल्पचर्स देख रहे हो तुम, वो देखो वहाँ पर, वो भी देख रहे हो तुम, ठीक है। अच्छा अगर अब तुम पूछोगे कि भाई ये क्या हैं, ठीक है ना, और इनकी हिस्ट्री क्या, तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं पता, ठीक है। मैं टूरिस्ट गाइड नहीं हूँ भाई, मैं तुम्हें ऐसे ही बस घुमाने ले आया, मैंने पता चले ब्लॉग बन जाएगा, तुम लोग भी देख लोगे मज़ा करोगे, ठीक है। बाकी मेरे को नहीं पता ये क्या बनी है कैसे बनी है, ठीक है। बाकी वो सब तुम देख सकते हो यार, गूगल वगैरह करो देखो, और
टोपी और क्या दिखाऊं तुम्हें यहाँ पर, बाकी ये देखो इतना मैं दिखाता हूँ तुम्हें, आ जाओ ये देखें, ये गार्डन है यहाँ पर इसके सामने ही, ये देखो ऐसे गार्डन सा बना के रखा है यहाँ पर, ठीक है, सिमिलर गार्डन उस तरफ भी बना के रखा है, तो पूरे चौराहे में इर्द गिर्द, चौराहे के इर्द गिर्द क्या है कि पूरे चौराहे के इर्द गिर्द गार्डन बना के रखा है इन्होंने। आई होप मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होनी चाहिए यार, जो मैंने आवाज़ का बोला उसने हॉर्न बजाया भाई, वैसे हॉर्न ज़्यादा बजता नहीं है यहाँ पर, लेकिन आई होप कि मेरी आवाज़ अच्छी आ रही, मतलब साफ़ आ रही है, अच्छी का तो पता नहीं लेकिन साफ़ आनी चाहिए। चले भाई अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं फिलहाल यहाँ से, क्योंकि भाई मेरे को लग रही है प्यास, गर्मी बहुत है भाई ना, गर्मी होने लग गई है, पहले तो लंदन में इतनी गर्मी नहीं लगती थी मेरे को, लेकिन मतलब अभी ना 25-26-27 डिग्री तक चला जाता है तो गर्मी तो हो गई है, मतलब अब तुम लोग बोलोगे यार 25-26 डिग्री, मैंने भाई क्या बोल रहे हो आप, ये कोई गर्मी थोड़ी है भाई, तुम लोगों के लिए नहीं है बट अब वो होता है, फिर हम लोग यू नो लंदन वाले लोग, हमारे लिए तो है ना भाई गर्मी है, ठीक है। और अभी पार्क से होते हुए जाएंगे तो पार्क में बड़ी ही ठंडी ठंडी हवा चल रही होगी, मज़ा आएगा, और मैं पहले जाके कहीं से पानी ले लेता हूँ, तो ये है भाई नज़ारा, देखो देखो भाई फील करो तुम, अभी धूप से हम आ हा 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 वाह, ठंडी ठंडी हवा चल रही है भाई, ये पार्क कितनी ज़बरदस्त है, देखो और अभी यहाँ से होते हुए हम चलेंगे, ये शॉप थी ठीक है ना, मेरे को प्यास लगी हुई थी बहुत ज़्यादा, मैंने सोचा भाई पानी पी लेते हैं, तो ये पानी की बोतल ली मैंने भाई इससे, और इसने मेरे को दी है 2.20 पाउंड्स की, और ये भाई मुश्किल से ये 500 ml भी नहीं होगी, आधा लीटर पानी भी नहीं होगा भाई ये, और इसने मुझे 2 पाउंड की दी इसने मेरे को, 2.20 पाउंड की, 2.20 पाउंड होता है ऑलमोस्ट 230 रुपीज़, 230 रुपए की ये पानी की बोतल दी है भाई, 20 रुपए की एक लीटर की पानी की बोतल पीता हूँ घर पे, और पानी की बोतल का नलके का पानी पी लेते हैं यार हम तो, चलें भाई क्या करें अभी टाइम है जगह है क्या कर सकते हैं। अच्छा मैं ये चीज़ बताऊँ आपको, आप इन पेड़ों को ध्यान से देखो, ये ना बहुत घने पेड़ हैं और बहुत ज़बरदस्त हैं, बड़े से हैं ठीक है, तो ये जो पेड़ है ना भाई इसे चिनार का पेड़ बोलते हैं ठीक है ना, तो ये मैंने सिर्फ कश्मीर में देखा है इंडिया में, उसके सिवा मैंने कहीं नहीं देखा, मैं गलत हो सकता हूँ शायद और भी जगह पर हो, बट मैंने सिर्फ ये कश्मीर में देखा है, तो वो होम वाली फीलिंग ना, वो घर वाली फीलिंग आ रही है यहाँ से, जैसे आप कश्मीर के किसी गार्डन में घूम रहे हो, और ऑटम में ना जब मतलब पतझड़ का मौसम होता है तब ये ना बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं, ये ना एकदम ब्राउन से हो जाते हैं, ऑटम वो कलर के हो जाते हैं, बीच से कलर के हो जाते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं ये। अरे जी बहुत गार्डन की बात होगी, कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखे तो वो भी दिखाऊंगा आपको, ये देखो भाई कितने लोग आए हैं यहाँ पे, और चेयर्स वगैरह वहाँ पे लगी हुई हैं, सोच रहा हूँ जाके लेट जाऊँ वहाँ पर, लेकिन भाई कहीं मेरे को नींद ना पड़ जाए उन चेयर्स पे, और घर जाने की बजाय यहीं पर रात कट जाए, तो चलें जी मैं भी फाइनली बैठ गया, थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेता हूँ, मेरे को नींद आ रही है। ये देखो भाई ये कुछ पार्टी वार्टी कुछ म्यूजिक व्यूजिक बजा के यहाँ पर दौड़ चल रही है इनकी, आहा क्या बात है, यो 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 फिटनेस पे बड़ा ध्यान देते हैं यार ये लोग, हम नहीं देते ना, हम लोगों को कुछ नहीं बस वही सुबह काम पे जाओ शाम को छोले भटूरे खाओ और लातें फैला के सो जाओ, लेकिन यार देना चाहिए हम लोगों को भी है ना, फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, ये एंजॉय कर रहे हैं एकदम, देखो अभी बढ़िया से कोई टेंशन नहीं है इनको। तो भाई मेरे तो पड़ गई थी नींद इतनी और मैं तो सो गया था भाई, मैं तो एक घंटा सो गया, लेकिन सोने के बाद पता चला कि भाई ये फ्री में नहीं था, यहाँ पर ना पैसे देने पड़े थे, वो मेरे पास आ गया मुझे कहता कि भाई अब आप लोग यहाँ अब यहाँ सोए थे तो इसके पैसे दे दो, तो खैर फिर उसके साथ बात वगैरह करके थोड़ा इधर उधर निपटा लिया हम लोगों ने, लेकिन भाई तुम भी कभी आओ तो ऐसे सोने से पहले भाई एक बार देख लेना पेड़ है या नहीं। खैर अभी यहाँ से निकलते हैं और मैं चलता हूँ अभी घर की तरफ वापस, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो यार लाइक कमेंट शेयर कर देना, एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय, अल सी यू सून।